हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस पार्ट को देखने के पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए ताकि ये वाली चीजें आपको और आसानी से समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक, चलो देखो इसे यहाँ पर दिया हुआ है। यदि x की वैल्यू मुझे कितनी देके रखी है, x बराबर ये देके रखा है तो मुझे 2x + 7y4 निकालना है मुझे। अब इसे बोलते हैं लेडर पैटर्न। लेडर पैटर्न में क्या क्वेश्चन होते हैं, ये बड़ा आसान होता है इसे सॉल्व करना। ध्यान से देखो, इसे नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना होता है। इसे नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया करो। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 + 1/2 देके रखा है तो 2 + 2 = 3 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये जो मुझे 1 देके रखा है इसे मैं ऐसा का ऐसा उतार लूंगा और बस क्या कर दूंगा, 3/2। अब होगा क्या, जब यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/2 तो 2 ऊपर की ओर आ जाएगा तो क्या करूंगा, इसको मैं पलट दूंगा, कितना होगा 2/3 हो जाएगा 3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 1 + 1 क्या करूंगा, 5/3 दिया है इसको उसी तरह से मैं फिर से पलट दूंगा तो 3/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा मेरा, बोलो 5 और 3 कितना होगा, 8/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 8/3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर मैं एक बार क्या करूंगा, इसको पलट दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, पलट दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ चुका है 8/5 तो 5 फिर से ऊपर की ओर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरे पास में। बस यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 के गुणा में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रख दूंगा 5/8 रख दूंगा और प्लस का कितना दिया है, 7/ मुझे 4 देकर रखा है तो 2 से काटूंगा तो यहाँ पर कोई 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आएगा तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको देखो इस वाले को। फिर इसके बाद देखे रखा है 19/43 भाग लगाया हुआ है हमने इससे। ठीक है, अब इसे भी देखो, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना है यहाँ पे देख लो, 1 + 1/4 कितना हो गया, 4 × 4 = 5/ कितना हो गया, 4 हो गया। फिर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, इसमें जोड़ दूंगा 5/4, लेकिन 5/4 मुझे पलट कर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अपॉन में दिया रहता है तो उसको पलट दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा 5। 5 × 15 = 15, 4 = 19 कितना हो गया, 5। फिर क्या लिखा है, 1 + कितना हो जाएगा, पलट दूंगा मैं इसको, 5/19 हो जाएगा। 19 और 5 कितना होगा, 24। ठीक है, 24/ कितना दिया है मुझे, 19 देख रखा है। फिर इसको एक बार और पलटना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 19/ कितना हो जाएगा, 24। तो फाइनली 19/24 है, यानी कि 19/43 में मुझे भाग लगाना है। किसका मुझे भाग लगाना है, 19/24 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व जो करना है तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप भाग का निशान है, ये भाग में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे तो 19/43 और इसको आप पलट दोगे। बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो 19 से आप 19 को काट दो, 24/43 आपका क्या होगा, 24/43, बस यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, इसे सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 3 दिया 9 और 1 10, यानी कि ये जो देखे लगा है 3 दिया 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा 10/3। फिर मैं क्या करूंगा, इस 3 में जोड़ दूंगा मैं पलट कर, 3/10 को मैं जोड़ दूंगा, 10 दिया 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33/10 हो जाएगा। ठीक है, 33/10। फिर मैं क्या करूंगा, इस 3 को यहीं पर लिखे रहने दूंगा, इस 3 को मैं यहीं पर लिखे रहने दूंगा, इसको पलट दूंगा मैं, 10/ कितना हो जाएगा, 33। और 33 और 3 33 से 3 में करोगे तो कितना होगा, 99। 99 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 109/ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 109/33। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाली चीजों को सॉल्व कर लोगे आप, तो 3 में नीचे 7/ यहाँ पर दिया है, 3 − 11 = 11/13 कितना देके रखा है मुझे, 11 देके रखा है मुझे। ठीक है, और भाग में कितना लगा हुआ है, 109/ कितना देके रखा है मुझे, 33 देके रखा है। तो बस मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, 11 3 कितने हो जाएंगे, बोलो 33 हो गए, 33। तो 3 का भाग लगाऊंगा 11 में तो कितना बचेगा, 3 से 11 टाइम कटेगा, यहाँ मैं कर दूंगा 77, 77 में से मैं माइनस कर दूंगा 11 से 3 39 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिर 109/ जो मुझे 33 दिया है इसको मैं पलट कर लिख दूंगा क्योंकि नीचे है तो पलट कर लिख दूंगा मैं ऐसे, 33/ कितना हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा, 109। आप ध्यान से देखो, 33 से 33 कट जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ये, ठीक है, 30
यहां पर बचेगा अगर 80 हो जाएगा ये मान लो तो 38 बचेगा 38 बचे बड़े बड़े कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे सारे पैटर्न के जो क्वेश्चन थे वो समझ में आए हो ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लो इन अच्छे से नोट कर लो आप ठीक है भाई। जब आपको वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप इन वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते ही वाले थे 1-1/3 अब इसको पहले सॉल्व कर लो 3 × 3 में से 1 कितना बचेगा 2/3 सब गुणा में देके रखें ठीक है। ये कितना देके हो जाएगा 4 × 3 = 4 हो जाएगा 4 × 4 = 4 फिर इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो ये वाला बन जाएगा 4/5 इसी तरह से 99 इस तरह से चलते हुए जाओगे आप 99 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 98 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा ये 98 कितना 99 फिर उसके गुणा में कितना हो जाएगा 100 में से 1 को माइनस करूंगा 99 ये बचेगा 99 और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे देखो नीचे की वैल्यू अगली ऊपर की वैल्यू को काट रही है नीचे की वैल्यू अगले ऊपर को काट रही है इसी तरह से नीचे की वैल्यू इसके अगले ऊपर को काट रही होगी यानी कि इसके पहले जो नीचे की वैल्यू होगी वो इसके ऊपर को काटेगी फिर नीचे की वैल्यू इसको काटेगी। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ आपका क्वेश्चन बचेगा 2 × और कितना बचना 1/100 यानी कि 1/ कितना बचा है 100 यानी कि 1/ कितना आपका आंसर आ जाएगा 50 आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो फिर आप 1/1 के गुणा में कितना देके रखा है 2 देके रखा है। अब इस तरह से ऐसे सीरीज हम लोगों को देके रखनी हुई होती है इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका होता है जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ नीचे जो 1/1 × 2 देके रखा है 1/2 × 3 1/3 × 4 इसके काफी बहुत सारे पैटर्न होते हैं इसके फिलहाल आप बेसिक वाले को देखो इसे तो क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता 1/1 − 1/2 इस चीज को यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है 1/1 के गुणांक में जो 2 लिखा है इसे मैं ऐसा नहीं तो लिख सकता हूँ 1/1 − 1/2 होगा क्या जब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा तो होगा क्या 2 × 2 क्या लिखा 2 × 2 यानी कि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और बटे में कितना आएगा 2/1 आप 1 बार गुणा कर सकते हो ये आसानी से आ गया आपके समझ में। आप दूसरा वाला भी चाहो तो देख सकते हो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 − 1/3 लिख सकता हूँ। अब 1/2 − 1/3 जो लिखा है मैंने इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 × 2 कितना हो जाएगा भाई 6 ठीक है 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 या फिर आप 6 नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है 2 का गुणा आप 3 में लिख रहे हैं तो अब 3 यहाँ जाएगा 2 वहां जाएगा तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा अपना यहाँ पर भी तो इसका मतलब ये आया कि ये बड़े आसान होते हैं। इसी तरह से यदि मैं इसके बारे में बात करूँ 1/5 × 6 की तो 1/ में ऐसे क्या लिख सकता हूँ 5 − 1/ कितना लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ। अब इस वाली चीज को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ बताओ ये हो जाएगा 5 और गुणा में कितना 6 को यहाँ ले जाओ 5 को यहाँ ले जाओ तो 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर भी तो वो जो चीज है इसे यानी कि इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया तो यानी कि वही कोई बात है तो ये जो मेरे पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इस तरह से लिखने का एक फायदा यहाँ पर ये होगा कि वैल्यू आपस में कटती चली जाएंगी वैल्यू आपस में क्या होंगी कटती चली जाएंगी और बस यही तो मैं चाहता हूँ कि सारी सारी वैल्यू उसमें कट जाए। अब देखो जरा 1/1 − 1/2 ले सकता हूँ प्लस 1/2 − 1/3 लिख सकता हूँ 1/3 − 1/2 लिख सकता हूँ 4 इसी तरह से 1/4 − 1/5 लिख सकता हूँ फिर इस तरह से मैं चलते हुए जाऊंगा 1/10 − 1/11 लिख सकता हूँ 11 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो −1/2 से +1/2 3 से 3 1/4 से 1/4 5 से अगला 5 और इसके पहले जो भी संख्या होगी उससे वो किसको काट देगी इस वाली संख्या को काट देगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1 − कितना बचेगा 1/11 1/11 11 यानी कि 10/11 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह का पैटर्न बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो फिर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा वीडियो को पॉज कर लो और एक बार करने की कोशिश करो। चलो ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ 1/20 + 1/30 1/42 इस तरह से 1/132 लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है इसे लिखना है मुझे उसी तरह के फॉर्मेट में जिसके जो मैंने अभी अभी वीडियो को आपको बैक करके देखना जो मैंने अभी अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताया ठीक है। आप इसे लिख सकते हो 20 को 1/4 × 5 लिख सकते हो इसे आप लिख सकते हो 5 × कितना लिख सकते हो 6 लिख सकते हो इसे आप कितना लिख सकते हो 6 × 7 लिख सकते हो इसे आप कितना लिख सकते हो 7 × 8 लिख सकते हो
चिंता ना आए कि 132 को कैसे लिखना है, तो इसका तरीका होता है बड़ा आसान। इसका तरीका क्या होता है कि आप देख लो 132 इन दो वर्गों के बीच में आता है, तो मुझे पता है 11 का वर्ग निकालूंगा और 12 का वर्ग निकालूंगा, इनके बीच में लेना नहीं पड़ेगा। 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो 11 × 12 कर दोगे तो 132 मिल जाएगा। आया समझ में? इसका मतलब एक बटन में क्या लिख सकता हूँ, 11 × 12। अब इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं बचा, अभी भी बताया था 1/4 − 1/2 कितना लिख सकता हूँ 5, प्लस 1/5 1/5 − 1/2 क्या लिख दूंगा 6, इसी तरह से 1/6 − 1/2 क्या लिख दूंगा 7, इसी तरह से 1/7 − 1/2 क्या लिख दूंगा 8, इस तरह से चलता जाऊंगा और क्या हो जाएगा 1/11 − 1/2 क्या हो जाएगा 12। बस अब कुछ भी नहीं बचा, देखो इससे ये कट गया, इसके ये कट गया, यानी कि बीच की सारी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। इसके एक पहले होगा −1/11, तो उससे ये वाले को काट देना, ठीक है। अब क्या बचा क्वेश्चन में, 1/4 − 1/12, शुरू में बचा है 1/4 और यहाँ बचा है 1/2, कितना बचा है 12। आप क्या लोगे, एलसीएम ले लो इसका, ठीक है, लघुत्तम महाप्रवर्तक जिसे बोलते हैं हम लोग, तो 12 और 4 का एलसीएम कितना ले लो, 12 को ले लो। मैं बताऊंगा एक दिन क्लास में एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं चीजों को डिटेल में, फिलहाल के लिए देख लो, तो ये तो आसान है, 12 आ जाएगा, तो 4 से हो जाएगा वो 3 और −12 से हो जाएगा 1, यानी कि काटोगे तो 2/12 यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा 6, आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/6 अपना क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 1/2 लिखा है, 1/6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, यानी कि कुछ इस तरह का मुझे फॉर्मेट देकर रखा है, लेकिन 1/2 को तो ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा मुझे, इसे मैं जरूर लिख सकता हूँ 2 × 3 करके, इसे मैं 3 × 4 करके लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, ठीक है, इसी तरह से 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, इसका मतलब यहाँ चलता हुआ जाऊंगा मैं प्लस का 8 × कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, 1/9 और लिख दूंगा 1/2 − 1/3 कितना हो जाएगा 3, प्लस 1/3 − 1/4, अभी बताया था 1/2 और 1/2 गुणा किसमें किया है, इसमें 3 में किया है, तो उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी तरह से ये जो दे रखा है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर मुझे यहाँ पर चलता हुआ जाऊंगा मैं इस तरह से कितना हो जाएगा 1/8 − 1/2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से 3 कैंसिल 4 से अगला 4 कैंसिल, इसी तरह से एक वैल्यू पहले होगी उससे इसको काट देना। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो −1/9 से +1/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा क्वेश्चन है 1/2 कितना बचेगा 2, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पैटर्न के जो क्वेश्चन है जो मैं रेगुलर आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप इसी तरह के आगे और भी पैटर्न में करवाता जाऊंगा, आप लोग एक काम और करना, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सिंप्लीफिकेशन के डाउट पूछ लेना, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, तो उसके आप जितने भी आपने जहां भी क्वेश्चन पढ़े आप वो डाउट उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वही थैंक यू, तब तक के लिए इसको आप अच्छे से देख सकते हैं।